नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अवनीश एक्स वाई जेड पर स्वागत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि आप सभी लोगों का जो है एंट्रेंस एग्जाम का होगा, और आपके किन किन कोर्सों के एंट्रेंस एग्जाम होगी और किन कोर्स के जो है मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा, और साथ ही साथ जितने भी लोगों ने जो है एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिलअप किया था तो उनका जो है एंट्रेंस का एडमिट कार्ड कब आएगा, और कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आज बढ़ा दिया गया है। तो आप सभी लोग नोटिस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आएंगे नोटिस वाले सेक्शन में। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग जो एडमिशन नोटिस है इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप सभी लोग यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट कॉर्नर सेक्शन में, उसके बाद यहाँ पर कैंपस एडमिशन 2024 जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं आप सभी लोग ये नोटिस है। आप सभी लोग नोटिस डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नोटिस डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पर आप सभी लोग डेट भी देख सकते हैं 2 जुलाई 2024, उसके बाद एडमिशन नोटिस। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग ऑफ यूजी कोर्सेज एक्सटेंशन ऑफ पीजी एप्लीकेशन डेट बीपीएड एमपीएड फिजिकल टेस्ट एलएलबी काउंसलिंग, इसके रिगार्डिंग में एक नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग नंबर एक पर जो पॉइंट दिया है इस पर देखेंगे, द रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 10 जुलाई 2024 इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं इन्हीं सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसमें जो सब्जेक्ट हैं बी फार्मा, डी फार्मा, उसके बाद बैचलर ऑफ लॉ 3 ईयर्स का, उसके बाद एमएड और एलएलएम का है। यहाँ पर एलएलबी 5 ईयर का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर नोटिस देखेंगे, एडमिशन विल बी स्टार्ट इन फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑन मेरिट बेसिस फ्रॉम 8/7/2024, मतलब जो इतने कोर्स इसमें नीचे दिए, मतलब 25 कोर्स ऐसे दिए गए हैं जिनका जो है एडमिशन मेरिट बेस पर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट लिस्ट बाद में शेड्यूल किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी कोर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं सेकंड नंबर के अंतर्गत, यहाँ पर इतने कोर्सेज के जो है एडमिशन मेरिट बेस पर होंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, सॉरी, यहाँ पर 26 कोर्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन जो है मेरिट बेस पर होगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत देख सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सटेंडेड टिल 27 जुलाई 2024 इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, मतलब 38 कोर्स ऐसे हैं पीजी के लिए जिनके लिए जो है एडमिशन फॉर्म का लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 30 जून तक था, लेकिन अब यहाँ पर 27 जुलाई तक वह सभी लोग अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, फिजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड द डेट ऑफ फिजिकल टेस्ट विल बी अनाउंस्ड सून, मतलब बीपीएड और एमपीएड के लिए जो है बहुत जल्द ही इनका भी डेट अनाउंस्ड होगा फिजिकल टेस्ट के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ बैचलर ऑफ लॉ 5 ईयर, उसके बाद एलएलबी 5 ईयर विल बी डिक्लेयर्ड विथ एलएलबी 3 ईयर आफ्टर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका मतलब यह है जब एलएलबी 3 ईयर्स का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एलएलबी 5 ईयर्स के कोर्स के लिए काउंसलिंग का डेट शेड्यूल किया जाएगा। तो आप सभी लोग परेशान मत होइए, जैसे ही शेड्यूल होगा मैं आप सभी लोग को वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे, एडमिशन फॉर बीटेक एंड एमटेक विल बी अनाउंस्ड सेपरेटली वेरी सून, मतलब यहाँ पर जितने भी कोर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं नीचे 5 नंबर और 6 नंबर, 5 नंबर में जो है एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग शेड्यूल होगा, उसके बाद बीटेक और एमटेक के लिए बहुत जल्द ही यहाँ पर काउंसलिंग के लिए डेट अलाट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो डेट एक्सटेंड हुआ है फॉर्म फिलअप करने का, तो वो सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट के अंतर्गत जितने भी कोर्स हैं इनका जो है मेरिट लिस्ट 8 के बाद या 8 को जारी हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग के लिए डेट शेड्यूल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 कोर्स ऐसे हैं जिनका जो है एंट्रेंस एग्जाम 10 जुलाई को होगा, इनका जो है अभी तक एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ, तो आप सभी लोग परेशान मत होइए, आपका एडमिट कार्ड हो सकता है 5 जुलाई या 8 जुलाई को जारी हो जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा आपके एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी होगा या कोई भी एडमिशन से रिलेटेड
काउंसलिंग डेट या मेरिट लिस्ट जारी होगा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को बता दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।